समय पर साफ सुथरी और स्मार्ट सिटीज की लिस्ट जारी की जाती है, जिनके आधार पर शहरों को इस लिस्ट में टॉप पर पहुंचाने के लिए उनका कायाकल्प भी किया जाता है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स। अब केंद्रीय आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय इसी साल दिसंबर तक सबसे सुंदर पब्लिक प्लेस और नगर पालिका वार्डों की घोषणा करने की तैयारी कर रहा है। मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक सिटी ब्यूटी कंपटीशन की घोषणा अप्रैल 2023 में की गई थी। बताया जा रहा है कि अब तक इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 4,259 एंट्रीज मिल चुकी हैं। पहले नाम देने की डेडलाइन 15 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर 15 अगस्त कर दिया गया है। ये एंट्रीज अलग अलग कैटेगरीज में सर्वश्रेष्ठ वार्ड और सबसे सुंदर सार्वजनिक स्थानों के लिए हैं। मंत्रालय ने जानकारी दी कि कई राज्य सरकारों की ओर से अनुरोध किया गया था कि डेडलाइन को आगे खिसकाया जाए, ऐसे में सबमिशन की समय सीमा बढ़ा दी गई है। दरअसल मंत्रालय का कहना है कि सभी राज्यों में बेहतर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और शहरों में सुंदर सार्वजनिक स्थानों के लिए 4 अवार्ड कैटेगरीज में ज्यादा से ज्यादा नाम आने के लिए अंतिम तिथि को बढ़ाने पर विचार किया गया है। बता दें कि अधिकारियों के मुताबिक इस तरह की प्रतियोगिता को आयोजित करने का विचार प्रधानमंत्री मोदी द्वारा धर्मशाला में साल 2022 में एक सम्मेलन को संबोधित करते समय आया था। गौरतलब है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स पहले से ही स्वच्छ भारत मिशन अर्बन एंड बेस्ट सिटीज के तहत अलग अलग श्रेणियों में सबसे स्वच्छ शहरों को अवार्ड देता आ रहा है। ऐसे में सिटी ब्यूटी कॉम्पिटिशन को भी अच्छी पहल माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि शहरों द्वारा ऑनलाइन सबमिशन पूरा करने के बाद स्टेट लेवल थर्ड पार्टी एवेल्यूटर्स तमाम परियोजनाओं का दौरा करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सर्वश्रेष्ठ वार्डों को राज्य स्तर पर पुरस्कार दिया जाएगा। हर राज्य में बेस्ट ग्रीन टूरिस्ट और हेरिटेज स्पेसेस के अलावा बाजारों आदि को राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार के लिए चुना जाएगा। अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक कई शहरों को कवर किया जा चुका है, जिनमें श्रीनगर से लेकर तेलंगाना की जगहें भी शामिल हैं। कई राज्यों जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान आदि के शहरों से भी एंट्रीज भेजी गई हैं। हालांकि अधिकारी ने ये भी बताया कि जो शहर जीतेंगे उन्हें नकद इनाम नहीं दिया जाएगा, लेकिन उन शहरों को सबसे खूबसूरत सार्वजनिक स्थान होने का टैग जरूर मिल जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इस लिस्ट में आने के बाद उन जगहों पर टूरिज्म और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन कौन सी जगहें अलग अलग कैटेगरीज में बेस्ट की लिस्ट में आती हैं। हालांकि इसके लिए दिसंबर तक का इंतजार करना पड़ सकता है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।